हाँ विवान बोल। भाई तू कहाँ है? अपने बालकनी में खड़े आतिशबाजियाँ देख रहा हूँ। राजा भाई बाकी सभी तो यही है, तुझे मैं अच्छी दारू पिलाता हूँ, आजा आजा। दारू तो ठीक है, और क्या दे सकता है? मतलब उम्मीद, उम्मीद दे सकता है। और आज तो दिवाली भी है। मैं तुझे पैसे कमाने की उम्मीद जरूर दे सकता हूँ। यहाँ पे ताश पार्टी चल रही है, आजा मेरे भाई। आता हूँ। तुम्हें किस चीज से डर लगता है आतिश? तुमसे। क्या? मुझसे? तुम्हें मुझसे डर लगता है? पर मैं तो तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ। इसीलिए तो, क्योंकि तुम एक अकेली इंसान हो इस पूरी दुनिया में जिसे मेरे बारे में इतना पता है। और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे गम को समझ सकती हूँ। गम बस वही तो है मेरी जिंदगी में, और है भी क्या? उम्मीद, बस उसे बचा के रखो। देखो आतिश, बुरे हादसे सबके लाइफ में होते हैं, पर उससे कुछ अच्छा सीखकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एंड यू आर अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। तुम अगर ऐसे होपलेस रहोगे तो तुम तुम्हारा पोटेंशियल डिस्ट्रॉय करोगे, और कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे गम को अपना कर रखोगे तो खुश कैसे हो पाओगे? यूं ही छोड़ भी कैसे दो आरती? बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में सिर्फ बुरा ही तो हुआ है। स्कूल में मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बॉयकॉट कर दिया था। मेरे पापा चाहते थे मैं एक अच्छी स्कूल में पढूं, और इसीलिए उन्होंने मुझे शहर के सबसे एलिट स्कूल में भेजा, और वहां मेरा बस एक मजाक बन के रह गया। ए, देख के नहीं चल सकता लूजर। ए आतिश, तेरा खटारा गाड़ी कहाँ है? पापा ले गए। और तेरे पास तो सिर्फ एक ही गाड़ी है। मेरे सारे क्लासमेट्स के पास बहुत पैसे थे, अच्छी गाड़ी थी, सब कुछ था उनके पास, पर मेरे पास ना ही कोई अच्छी गाड़ी थी ना कोई दोस्त। वो सब पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, और मैंने भी सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की। और फिर मैं लफ्जों से खेलने लगा। और वैसे भी लोग कहते हैं कि गम बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेता है ना? जब भी मुझे वक्त मिलता मैं कोलकाता में अपने सबसे फेवरेट जगह पे जाकर अपनी पोएम्स को लिखता था, और मेरे लिखने के बारे में सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड निहाल को पता था। एक वक्त थी बस हमारा, और सब बदलता रहा। धूप पिघलने लगी थी, चांदनी फैलने लगी थी, वो शाम भी कुछ गुमसुम थी, हम भी खुश नहीं थे। जिस्म पर हवा का एहसास था, और दिल में सब बिखर रहा था। कहीं उस लम्हे की खोज में इंतजार से मुलाकात हो गई, और उस इंतजार में तन्हाई से मुलाकात हो गई। हाँ निहाल बोल। क्या हाल है आतिश? सुन, तू अपनी सारी पोएम्स एक बार मुझे भेज दे, मैं उन्हें पब्लिश कराने की ट्राई करता हूँ एक बार। Are you sure? Really? अरे एकदम भाई, तू एक बार भेज, अपने ट्राई करते हैं। ठीक है यार, मैं अभी भेजता हूँ। चल कूल। ओए थैंक्स यार। मैंने अपने सारे पोएम्स उसको भेज दिए और फिर मैं वेट करता रहा। एक दिन मैंने अपने पोएम्स न्यूज़पेपर में देखी। मगर उन पर मेरा नाम नहीं, निहाल अग्रवाल का नाम था। क्या है भाई? हेलो निहाल। हेलो। अरे भाई तू कॉल कर रहा मत करेगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, समझता क्यों नहीं है तू? हेलो हेलो। उसने बात करने से इनकार कर दिया। और बस मैं करता भी तो क्या, मेरे पास ना तो कॉन्टैक्ट्स थे ना राइट्स। जो पोइम्स एक दिन मेरे गम को कम करती थी, आज वही मेरे गम की एक और वजह बन गई। खाली पन्ने थे, कलम भी था, सिर्फ लिखने की उम्मीद नहीं रही। देखो आतिश, ये सब बहुत लोगों के साथ होता है, पर तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। पास्ट है, छोड़ दो, भूल जाओ। तुम्हें बहुत आगे जाना होगा, तुम फिर से लिखना शुरू करो। देखो आतिश, गम को फेस नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी आरती, और फिर मेरे जिंदगी में वो आई। आतिश, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय कब की खत्म हो गई? तुम हमेशा इतने चुपचाप क्यों रहते हो? निखिल भी तुमसे ज्यादा बात करता है, वो तो बोलना ही नहीं बंद करता, और तुम हो कि कभी कुछ नहीं। तो तुम निखिल के साथ ही बात क्यों नहीं करती? मेरे साथ क्या कर रही हो? आतिश, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, यूं होता है। सिर्फ अच्छा दोस्त है, इसीलिए तुम जब भी मेरे साथ होती हो उसी के बारे में बात करती हो। बोलो जिया, सिर्फ अच्छा दोस्त है क्या? आतिश प्लीज, ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? फिर से गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम शांत रहने की कोशिश नहीं करोगे फिर ये गुस्सा कभी नहीं जाएगा। जब मैं बात नहीं करता हूं तो तुम कहती हो कि मैं बात क्यों नहीं कर रहा। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अब तो कुछ सही नहीं हुआ है तो बाकी की ज़िंदगी के लिए उम्मीद नहीं खो सकते हो ना। वक्त बदलता है, हालातें बदलते हैं, हम और तुम भी बदलेंगे एक दिन। यूं ही चुपचाप रहने से कुछ नहीं होने वाला आतिश। मैं चुप इसीलिए रहता हूँ जिया क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जो तुम नहीं समझोगी। तुम्हारा वो जो अच्छा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? निखिल। उसकी ज़िंदगी समझना आसान है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। उसको सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। तुम्हें कैसे पता कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है? और मैं हमेशा समझने की कोशिश करती हूँ आतिश, पर तुम कभी कुछ कहते भी नहीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप पे रहना कितना मुश्किल है। हम दोनों इतने अलग हैं, हमारी ज़िंदगी भी एक दूसरे से कितनी अलग है, फिर भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे साथ रहना इतना मुश्किल है तो तुम मेरे साथ क्यों हो? ऐसा क्या है मुझ में जिया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ आतिश, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। Because I love you, I really love you। मेहरबानी आपकी कि मुझसे प्यार करती है। आतिश प्लीज तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ रहना मुश्किल क्यों है? क्यों है जिया, बोलो ना। बोलो ना जिया, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा हाथ छोड़ो आतिश। लीव माई हैंड। नहीं छोड़ सकता जिया। क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो। क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे सिवा मेरे इस लाइफ में और कुछ है ही नहीं। सिर्फ तुम सही हो जिया, बाकी सब गलत है। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही ज़रूरत होती ना आतिश, तो फिर तुम मुझ पर ऐसा गुस्सा नहीं निकालते। तुम हमेशा ऐसे करते हो, पहले गुस्सा करते हो फिर ये सब कहते हो। इस बार नहीं। जिया, जिया रुक जाओ जिया, बारिश हो रही है। जिया प्लीज। जिया मैं क्या करूं आतिश? मैं चाहे जो भी करूं तुम कभी कुछ होते ही नहीं। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे और मुझे तुम्हारे गुस्से और गम को सहने के लिए और हिम्मत नहीं है। मैं नहीं कर सकती। और अगर तुम खुद खुश नहीं रह सकोगे, मुझे कैसे खुश रखोगे? बोलो, बोलो ना आतिश। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मैं जिया से बहुत प्यार करता था, शायद आज भी करता हूँ, मगर मेरा गुस्सा तन्हाई ने जिया की जगह ले ली और आज वही तन्हाई रात की खामोशी में मुझसे मिलने आती है। मैं क्या करूँ इस जिंदगी का आरती? ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे जैसे एक लूजर को समझ सकता है। क्या गलत कर रहा हूं मैं? तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो आतिश। सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीखो और खुद पर तरस खाना बंद करो। और जिंदगी में बुरा वक्त कब जीत में बदल जाए किसी को पता ही नहीं चलता। और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई तो होगा जो तुम्हें पूरी तरह जानने के बाद तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें समझ पाएगा। इंतजार करो। और हाँ, मेडिटेट करना बंद मत करना, फिर से गुस्सा ज्यादा हो जाएगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आरती ही मेरे जिंदगी में वो इंसान थी जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और फिर भी वो मुझ पर भरोसा करती थी। उससे बात करने के बाद मुझे अपनी जिंदगी कुछ हसीन लगती थी। मैं उसके पास जाता रहा और धीरे धीरे मैंने उससे अपने दिल की हर एक बात कह दी। यही तो होता है मोहब्बत में। हम सहारा पाकर इतने कमजोर हो जाते हैं कि किसी और की उम्मीद हमारी उम्मीद बन जाती है। उनके बिना हम खुद को खो देते हैं और ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा था। क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पे इतनी रौनक? उनके देखने से आ जाती है जो मुंह पे रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या गालिब, किताब है तुम्हारे पास लेकिन शेर नहीं पता? ये गालिब की मेरी सबसे फेवरेट शेर है। तुम्हें शब्दों से रियली बहुत प्यार है ना? वो तो है, और आजकल किसी और से भी होने लगा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। कौन है वो? कम ऑन, मुझे तो बता सकते हो तुम। बोलो। टेल मी द नेम। तुम। सॉरी, वो तुम हो आरती। आई एम योर थेरेपिस्ट आतिश। ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? व्हाट डू यू मीन बाय ख्याल कैसे आया? तुमने मुझसे कहा था कि ऐसा कोई होगा जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता होगा और फिर भी वो मुझसे प्यार करेगा। तो वो तुम हो आरती। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है और फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, क्योंकि तुम मेरे पेशेंट हो। देखो आतिश, तुम पे भरोसा करना, तुम्हें मोटिवेट करना, ये मेरा काम है। इट्स माय जॉब। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं होता तो मुझ पर भरोसा नहीं करती? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है आतिश? मुझे तो नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए अगर तुम नॉर्मल रहते भी हो, बाद में फिर से तुम्हारे वो पास में तुम चले जाते हो। ऐसे कैसे कोई खुश रह सकता है आतिश? और अब तुम बोल रहे हो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, और तुम्हें जो लगता है प्यार है ना, वो तुम्हारे खुशी की तरह है। थोड़ी देर बाद ये भी चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें इस वक्त एक पेशेंट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ और कुछ नहीं। तो थेरेपिस्ट इंसान नहीं होते? उनको प्यार नहीं हो सकता? तुम इस बात को सोच कैसे सकते हो? डू यू लव मी और नॉट? प्लीज लिसन टू मी। यस और नो? नो। Yes or no? No. Yes or no? No. End of this conversation. I think you should leave. हाँ भाई, बोल। कहाँ मर गया भाई, तू आएगा कि नहीं? आ रहा हूँ ना, अभी अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है भाई, जल्दी आ जा प्लीज। ओके। चलो उधर चलते हैं। अरे आतिश, कहाँ रह गया था भाई? घर पे। क्या घर पे? आज तो हंस दे। चल तेरा मूड सेट करते हैं, पोकर खेलते हैं। अच्छा सुनना, मैं कुछ और करते हैं ना वो, मैं तो हमेशा हार जाता हूँ। चल, ये मेरी पार्टी है, आज जो मैं बोलूंगा तू वही करेगा। चुपचाप चल 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 आजा। चल, आ गया मेरा दोस्त। हाय हाय, हेलो। शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए। कितना पी रहे तू? छोड़ नहीं यार। स्मॉल ब्लाइंड ब्लाइंड। आई फोल्ड। अरे क्या यार, ये पत्ते नो कॉलर्स मैन। चल हो जाए, बड़ी डील। चलो हो जाए भाई, कुछ तो बोल। खेल लूं पहले भाई? अरे स्मॉल ब्लाइंड बिग ब्लाइंड तो चल दो, सोचना बाद में। स्मॉल। ऑल इन। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो आतिश, सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीखो और खुद पर तरस खाना बंद करो, और जिंदगी में बुरा वक्त कब जीत में बदल जाए किसी को पता ही नहीं चलता। कहाँ खो गया भाई? इट्स योर टर्न, चल अभी। टाइम फॉर द फ्लॉप बडीज। तुम लोग गए बच्चे लोग। रिलैक्स ब्रो। अभी दो पत्ते बाकी है, रिलैक्स। Wait for the turn and river. अब बता भाई क्या है? क्या भाई? Flip your cards man. क्या है? What do you have? दिखा दे भाई, slow roll मत कर, दिखा दे। अभी तूने इन पत्तों के साथ कॉल किया? यार मैंने तो बस एक चांस लिया था, सोचा था क्या पता कोई उम्मीद होगी, पर सच बोलूं तो मुझे खुद भी नहीं लगा था इन बुरे पत्तों के साथ मैं जीत भी सकता हूँ। वही तो, पत्ते कभी बुरे नहीं होते, बस खिलाड़ी सही नहीं होता। पर ठीक है, तू धीरे धीरे सीख रहा है। चलो गाइस, इसी बात पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन। उलझा रहा अनराहों में, पिघलने लगा गम की बाहों में, इश्क होता रहा हर कदम पर, ख्वाब बिखरते रहे भी हर पल, मगर एक सहारे की तलाश करता रहा उन निगाहों में, मगर एक सहारे की तलाश करता रहा उन निगाहों में, खुद को पाता रहता हूँ तेरी यादों में, यूं ही खोता रहता हूँ ख्वाबों में, जाने क्या है इस जिंदगी का राज, हाँ बस एक मोहब्बत की तलाश, उड़ता रहता हूँ उन फसानों में। उलझा रहा उन राहों में, पिघलने लगा गम की बाहों में। उलझा रहा उन राहों में, पिघलने लगा गम की बाहों में। दोस्त मिलते रहे हर कदम पर, बिछड़ते रहे भी हर पल। मगर एक उम्मीद की तलाश करता रहा उनकी बाहों में। मगर एक उम्मीद की तलाश करता रहा उनकी बाहों में। हो मिल गया आज दिल के उन बातों में। हो मिल गया आज दिल के उन अरमानों में। हो मिल गया आज दिल के उन बहानों में। कैसे हो? अच्छा हूँ, खुश हूँ। तुम? मैं ठीक हूँ। तुम जेन्युइनली बहुत खुश लग रही हो। बस यही कहने आई थी। हाँ बस यही। पता है जिया, आज बहुत दिनों बाद जीता हूँ और यह एहसास भी हो गया कि जिंदगी में पत्ते कभी भी बदल सकते हैं और कभी कभी तो पूरे पत्तों के साथ भी तुम जीत सकते हो। बस अपने काबिलियत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, है ना? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मैं समझी नहीं। आज बहुत दिनों के बाद तुम मिली हो जिया, और ये समझ में भी आ गया कि तुम जो भी कहती थी सही कहती थी। मुझे अपने आने वाली जिंदगी के लिए उम्मीद खोना नहीं चाहिए। एटलीस्ट तुम समझ तो गए। मगर जब तुमने उम्मीद खो दिया, मुझे लगा कि जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। आज फाइनली मुझे वही उम्मीद वापस मिली है, और इस बार खुद में। शायद तुमसे जो दूर हुआ, मैं खुद के और भी करीब आने लगा। हैप्पी दिवाली जिया। और आज तुम ये नहीं कह सकती कि मैं कुछ बोलता नहीं। आतिश, आई एम रियली सॉरी। पिछले बार मैंने गलती की, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे रहने से भी कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट तुम्हें मुझसे जो चाहिए था वो मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं पाया। अब तुम वो खुशी खुद में ढूंढो, क्या पता मिल जाए। और अगर वो मिल गया तो वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो यहीं पे हूं। बस तुम्हारे और करीब नहीं रह सकता। हो मिल गया आज दिल के उन अरमानों में हो मिल गया, आज दिल के उन बहानों में। इस दिवाली मेरी यही ख्वाहिश है कि इस दुनिया का हर एक इंसान उम्मीद की तलाश सिर्फ खुद में करे।